कृषि कानूनों को वापस की बात की है, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, मैं रविंद्र दलालिया, मेरठ मंडल उपाध्यक्षपुर, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि कानून को रद्द करने की बात जो कही है संसद में, और MSP जो है उसके बारे में कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, उसके बारे में हमारा उनके निर्णय का स्वागत है। बाकी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति राकेश टिकैत, जिस पर आज इस हमारी जीत का सेहरा बांधने के लिए हिंदुस्तान के किसान और जनता पल के बिछाए बैठी है, समझे, लगता है कि हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी मंजिल नज़दीक है। निर्णय अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी आएंगे, और जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है वो सिंधु बॉर्डर में मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में आगे की रणनीति के बारे में विचार किया जाएगा। लगता है कि हमारी मंजिल जो है, इतना जो है, मैं एक साल हो गया यहाँ पे संघर्ष करते MSP काले कानून के बारे में और इसके बारे में हम लड़ते लड़ते, कि आप लोगों की मीडिया, सोशल मीडिया, जिस सब लोगों ने, आप लोगों ने भी सहयोग दिया इसमें, संघर्ष में हमारे साथ में दिन रात आपने जो है इसमें डटे रहे, उनका भी हमारा हम स्वागत करेंगे। लगता है कि अब हमारी मंजिल नज़दीक है, और प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि आई और उन्होंने सोचा कि किसान है, और ये सोचा था कि चले जाएंगे, लेकिन पता है कि चुनाव इनके सामने सिर पर खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि कुछ किसान थे जो जिद कर रहे थे, उनकी वजह से हमें ये फैसला लेना पड़ा। देखिए, बात वो जो सोच की बात थी कि जिद की बात थी, अभी अभी एक हफ्ते पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसके बारे में इन्होंने सॉरी करा, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग में होता जो तीसरा कानून है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में, उनका यह विचार था कि इसको हम वापस लें, और ये जो दूसरा कानून है इसके बारे में जो है हम इसको पेंडिंग कर दें। तो निर्णय ऐसे नहीं एकदम से नहीं हुआ, मतलब इसमें गंभीरता से चल रही थी बातचीत। एक जिस तरह से आपका ये कहना था, बार बार आप रिपीट करते थे कि बिल वापसी तो घर वापसी, हाँ, तो अब आप कब तक घर वापसी जाएंगे? देखिए, प्रक्रिया घोषणा हुई, संसद में हुई, वैसे कोई पब्लिक मीटिंग में नहीं हुई, क्योंकि अगर संसद में कोई घोषणा होती है तो उसकी सारी कार्रवाई रिकॉर्डिंग होती है, अगर कोई पक्ष विपक्ष का नेता भी कोई बोलता है क्या करता, तो सारी उसकी रिकॉर्डिंग जो है वहाँ पर उत्पन्न दर्ज होती है। तो हमें विश्वास है कि जो उन्होंने घोषणा करी है उस पर भी अमल करेंगे, लेकिन एक थोड़ी कार्रवाई जो है, कम समझे कार्रवाई शुरू हो जाए तो समझे, क्योंकि मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। मैं एक राकेश टिकैत जी का फॉलोअर्स हूँ, मैं इतना बड़ा पदाधिकारी नहीं हूँ, समझे। जो भी निर्णय होगा, हमारा 22 तारीख की लखनऊ की पंचायत है, 26 तारीख का हमारा गाजीपुर में यहाँ पर हमारा ऐलान है, और 29 तारीख का संसद का है। मैं जहाँ तक उम्मीद समझता हूँ कि उन निर्णयों पर संयुक्त किसान मोर्चा दोबारा नए सिरे से विचार करें, जब बिल बात कि हम संसद, मतलब 26 तारीख की मीटिंग तो होगी, 22 तारीख की लखनऊ की मीटिंग वो भी होगी, लेकिन जो कुछ है शायद उसके बारे में जो है विचार। मैं एक आपकी राय जानना चाहता हूँ, जब बिल वापसी की बात हो रही है, इतना बड़ा कुछ किसान भाई जश्न भी मना रहे हैं बाहर, हमने देखा भी, कवर किया, और तमाम ये पूरे देश में हल्ला मच रहा है कि बिल वापसी, तब भी आपको पंचायत की जरूरत है क्या अभी? नहीं, देखिए एक बात सुन, बात सुनने के लिए, ये आपकी राय, जो लोग अपने घर बैठे हैं, जिन्होंने आंदोलन में हमारा सहयोग दिया है, आंदोलन में संघर्ष कर रहे हैं, जिन लोग यहाँ रात दिन डटे रहे हैं, वे अपने घर पे हैं, अगर हमारी बात आएंगे यहाँ पर, हमारे निर्णय में मीटिंग करेंगे, तो उनका भी एक बात सुन ले, वे भी ये सोचेंगे कि हम भी इसमें शामिल रहे, क्योंकि अरे हम तो यहाँ पर आए और आप तो लोग वहाँ पर उठ करके चले गए, तो वे भी लोग आवें, ये 26 तारीख की हमारी मीटिंग है, वे भी सब लोग आएंगे, सबके सामने जो है, मतलब उसका निर्णय का स्वागत किया जाएगा, घोषणा करी जाएगी, वो अच्छा होगा। एक जगह साहब का बयान है कि उन्होंने ये कहा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने TV पर बोला है, जब संसद में बात करेंगे तब हम मानेंगे पक्का। देखिए, राष्ट्र के नाम संबोधन जो आदमी कर रहा है, समझिए, अगर वे इस तरह की बात जो है करेंगे, क्योंकि ये कोई चुनावी वो नहीं है घोषणा पत्र कि हम आपको ये देंगे ये देंगे, ये एक कानून के बारे में उन्होंने बात राय की है,
मेरे विचार में जो है ये जो की बात जिस तरह आप लोग कह रहे थे हमें भरोसा नहीं है मोदी की बातों पर, आज जो उन्होंने कहा पूरा भरोसा है। अब मैं कह रहा हूँ, एक बात तो सुन लो, हम एक कह रहे हैं कि राष्ट्र में ये जो उन्होंने कहा है ये जो है एक जगह तो आ नहीं रहा, सारे सबको टीवी चल रहा, जब संबोधन करेगा उनको पता है कि 3 दिन उनकी यहाँ पे वो है, वहाँ कोई गड़बड़ ना हो, वहाँ जो है लोग उसको जो है मतलब विरोध ना हो। तो ये जो हमारी 22, 26, 29 तारीख की जो मीटिंग थी उसे उन्होंने सोचा कि हमें यूपी में जाने से पहले इनको घोषणा करनी जरूरी है, तभी लोगों का यो आक्रोश होगा। मतलब ये समझा जाए जो आपके तय कार्यक्रम थे वो ऐसे जो के त्यों रहेंगे, अभी तक तो जो के त्यों, अभी उनमें कोई संतोष नहीं। देखिए हमने कह रहे हैं कि मैं फिर अपनी बात दोहरा दूं, हमारी 22 तारीख की लखनऊ की पंचायत है हमारी, समझ लीजिए। तो पंचायत तो वैसे भी होती है हमारी, वैसे वहाँ के लोग भी आएंगे सुनने के लिए कि कुछ लोग अब उसका रूप बदल जाएगा, उसका जो लखनऊ की पंचायत होगी उसका रूप बदल जाएगा। हो सकता था सरकार हमारा अवरोध करती, सरकार हमारा प्रतिरोध करती, हमारा संघर्ष होता, अब उसका रूप दूसरा होगा। यानी कि राकेश टिकैत पहले किसी और पर्पज जाते थे, अब हो सकता है उनको वहाँ पर बधाई दी जाए, वहाँ पर लोग उनका स्वागत करें। जो लखनऊ के पूर्वांचल के लोग हैं वे वहाँ पर आएंगे कि हमारा नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता है और वो हम जीत का चेहरा उनको बांधे, तो उसके रूप बदल जाएंगे। अब तो बीजेपी को वोट देंगे, वोट की अलग चीज़ होगी। एक बात सुन लो, अगर ये वोट के लिए आंदोलन होता समय जी, तो इसका मतलब हमारे अंदर स्वार्थ पर है, हम राजनीति कर रहे हैं, हम निष्पक्ष अराजनीतिक आदमी, अगर हम उसकी वोट और उसकी बात करेंगे तो फिर विपक्षी दलों में हमारे अंतर क्या है, हम तो अराजनीतिक आदमी हैं। मेन तो आपको बीजेपी का टारगेट था कारण, अरे बात बीजेपी नहीं, जो सामने होगा कल को जब कोई दूसरी सरकार आएगी और वो हमारे सामने मांगों की बात रखेगी, यूनियन में और राजनीतिक पार्टी में क्या अंतर है। देखिए एक फैक्ट्री की मजदूरों की यूनियन होती है, वो अपनी मांग करती है और वो जो है अपनी वो संघर्ष करती है, उसके बाद में जो है मैनेजमेंट बदल जा, वो बदल जा, उसके बाद में 6 महीने पीछे फिर वे आंदोलन करते हैं, कोई ऐसी बात आ जा तो वो थोड़ी की वजह वो उसमें आ जाएगी। तो हमारा राजनीतिक मंच नहीं है, हमारा हमको राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना कोई हम मतलब जो है इलेक्शन लड़ेंगे, कोई चुनाव लड़ेंगे, हमारा अराजनीतिक मंच।